अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनबॉक्सिंग अपने क्रिस्टीन के मेकअप हॉल की। ये मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, मैंने ऑर्डर की हुई थी पाकिस्तान से, और थैंक्स टू माई फ्रेंड जो पाकिस्तान से विजिट कर रही थी, उन्होंने लेकर आनी थी मेरे लिए चीज़ें, तो फाइनली मेरे पास पहुंच गई हैं। तो मैंने सोचा मैं अनबॉक्सिंग करूं आप लोगों के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इन प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि मैं क्रिस्टीन पहले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूं, तो मुझे इनके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं जो मैं पहले से काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूं। जो इनकी दो वाली फेस कंटूरिंग की पैलेट्स आती हैं ना, उसमें मेरे पास 4-5 शेड्स हैं और वो मुझे बहुत ही पसंद है। वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूं और मुझे उनकी पिगमेंटेशन, उनकी एप्लीकेशन सब कुछ बहुत पसंद है, और बड़ी फेमस है पाकिस्तान में, तो शायद हर सैलून में वो यूज़ की जाती हैं। और ये जो इनकी पैलेट्स थी, ये भी काफ़ी टाइम से आउट हुई हुई थी, लेकिन मैं ले नहीं सकी थी कभी भी, तो मेरा दिल था कि मैं इनको ट्राई करूँ ज़रूर। तो मैं आज आपके साथ ही खोलती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, इनकी प्रोफेशनल ब्लश ऑन किट है। अच्छा जी, इस किट की जो प्राइस है ना, वो थी आई थिंक 1650 की मैंने ये ली थी। ये देखें, 8 कलर्स की किट है, और इसमें मैंने जो शेड लिया ना वो 03 है। आई थिंक इसमें 01 भी था, लेकिन ये थोड़ा डार्कर वाला था शायद शेड, 01 शायद ज़्यादा लाइट थे शेड्स। तो मैं ये खोलती हूँ, आप इसको देखें। अच्छा, तो ये देखें कितनी खूबसूरत है इसकी पैकेजिंग, उसी तरह है जैसे इनकी वो दो वाले उसमें होती है हमेशा पैकिंग, उन्होंने उसी तरह से रखी है बिल्कुल। तो ये देखें, ये इनके ब्लशर्स हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं, मतलब कि सब शेड्स इतने प्यारे हैं और कैमरे पे भी बड़े अच्छे ऐसे नज़र आ रहे हैं। मैं इसमें आपको एक आधा स्वॉच करके दिखाती हूँ, ये देखें कितने पिगमेंटेड हैं। बहुत पिगमेंटेड हैं ये ब्लशर्स, तो आप देखें इतने अच्छे ये लगते हैं, और मतलब इनके कलर्स भी बड़े अच्छे हैं, पिगमेंटेड भी बहुत हैं, और ये सब वैसे मैट शेड्स हैं, मैट शेड्स की ये वाली किट है। इसके इनके जो शिमर है ना शेड्स, वो सिंगल में आते हैं, या हाइलाइटर की भी पैलेट है। हाइलाइटिंग जो शेड्स हैं ना, वो भी 4 वाली पैलेट आती है, वो मैं नहीं ले सकी उस टाइम पे, तो मैं बस जो चीज़ें मुझे ज़्यादा उस वक्त अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा कि मैं वो पहले ऑर्डर कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो तब मैं बाकी की चीज़ें भी करूँगी ज़रूर ऑर्डर। तो ये बहरहाल बड़ा इकोनॉमिकल रहती है, और ये है कि मतलब आप लोग ट्राई ज़रूर करें। मैट शेड्स हैं, बहुत ही बेहतरीन इनके प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी क्वालिटी अच्छी है। और जो सबसे अच्छी बात एक और होती है, जो हम लोग यहाँ पे खैर बहुत इन चीज़ों को करते हैं नोटिस, जैसे इसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, पाकिस्तान का ही ब्रांड है ये, और मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर क्लियरली मेंशन किया जाता है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वैसे हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सब ब्रांड्स को एक दफ़ा ईमेल करके तो पूछ लिया करें कि उनमें कोई ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं यूज़ हुए हुए, तो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो ये कि इसमें मैंने ये 03 शेड यूज़ किया है, ये मुझे बहुत पसंद आई है जी। नेक्स्ट मेरे पास ये हाईलाइट एंड कंटूरिंग शेड किट है, जो 4+4 प्रोफेशनल किट है। इसका शेड नंबर 02 है जो मैंने लिया है, ठीक है, और इसकी प्राइस थी अराउंड 1500 की आई थी। तो ये कि ये भी इसी तरह बड़ी अच्छे इसमें भी शेड्स हैं, मैंने वैसे ट्राई करके ये नहीं देखे इनके शेड्स, इनकी मैंने वैसे जो दो वाली किट होती हैं वो तो बहुत मुझे पसंद है, ठीक है। पैकेजिंग इसी तरह, ये भी अच्छे साइज़ की है बड़ी, और ये आप देखें इसमें इस तरह से हैं, मतलब इसमें ये सारे कंटूरिंग शेड्स हैं, ये दो डार्क शेड्स हैं और कूल टोन्ड हैं, ठीक है। ये दो शेड्स जो है ना थोड़े से ऑरेंजी से हैं, जो आप ब्रॉन्जिंग के लिए पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी के ये जो 4 शेड्स हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटिंग के शेड्स हैं। इनके मैं आपको साथ साथ ना स्वॉचेस दिखा देती हूँ, एक ये जो कूल टोन्ड है थोड़ा, और एक ये वाला जो थोड़ा वार्म है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये शेड्स हैं वही जो दूसरी पैलेट्स में भी इनके यूज़ हुए हैं, शायद उन्हीं को इन्होंने इकट्ठा एक पैलेट में कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रा इकट्ठे कैरी करने में ईजी रहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारे हैं, और अच्छा बड़ा कंट्रोल्ड इनका कलर होता है कि बहुत एकदम से ज़्यादा नहीं लग जाते। और ये मैं आपको हाइलाइटर भी शेड्स दिखाती हूँ, कितने खूबसूरत हैं ये भी देखें, बहुत ही प्यारे।
मतलब ये आप देखें कि इनमें इन शिमर भी बड़ी अच्छी है और साथ पिगमेंटेशन अच्छी है, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे फेस पर भी। मैंने इनके हाइलाइटर्स ये वाले पहले यूज़ नहीं किए हुए, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये पैलेट आई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इनके ब्रॉन्ज एंड ब्राइट ब्लश वॉन्स हैं, ये बेक्ड पाउडर्स हैं ये, ठीक है। इनमें ये ब्लशर के शेड्स हैं, मैंने कौन सा लिया था, मैंने इसमें एक 816 लिया है और मैंने इसमें एक लिया है 812, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये पिंक में आ जाते हैं। इनके प्राइसेस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ये 350 की थे या 400 के थे, क्योंकि इनके एक टेराकोटा ब्लश ऑन जो है वो 410 के हैं और जो इनकी सिंगल ब्लश ऑन्स हैं वो 360 के हैं। अब आई डोंट नो इनमें से कौन से वाला कितने का था, लेकिन ये अराउंड इतनी ही प्राइस है। बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत टाइम चलते हैं ये। ऑनेस्टली आप एक दफ़ा ये बाय कर लें, आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये काफ़ी टाइम चलते हैं। अब देखें पैकेजिंग भी इनकी बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, ये जो वो शेड है, मैं इस वक्त 812 यूज़ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है। ये वैसे इनके प्रोडक्ट से काफ़ी पुराने हैं, ये नए नहीं हैं। मैंने अब इस दफ़ा लिए हैं तो मुझे ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये नए हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो काशीज़ की ब्लश ऑन किट्स बड़ी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं, ये उन्हीं के ड्यूब्स हैं और जो कि वैसे तो उससे भी पहले के हैं। तो आप ये ज़रूर ये भी ट्राई करके देखें, पाकिस्तान में ये लोकली भी हर मार्केट से मिल जाते हैं। मैंने वैसे इनके डायरेक्ट पेज से ही कांटेक्ट करके मंगवाए थे, आप उनको इंस्टा पे मैसेज करें, वो आपको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद आप वहाँ से फिर कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। तो आप ये कि वहाँ से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, बड़े ऑथेंटिक हैं, सही है वहाँ से इनकी सप्लाई। ये बहुत ही खूबसूरत शेड है, ये देखें, ये था 812, ठीक है। नेक्स्ट मैं ट्राई करती हूँ 816। ठीक है, ये देखें, इससे थोड़ा सा ना पीची सा शेड है ये वाला, वो थोड़ा पहले वाला थोड़ा ज़्यादा पिंकी था, ये पीची सा शेड है। तो देखें शिमर भी है इनमें, कितने खूबसूरत हैं ये, ज़ाहिर स्किन पे इतनी अच्छी इनसे ग्लो भी आ रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इनका ना हाईलाइटर भी लिया था, मुझे ये शेड 828 इसमें बहुत पसंद था, इसके मैंने अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, तो मैं ये ट्राई करना चाह रही थी 828। इसमें और भी नंबर्स हैं जो इससे लाइट भी हैं और इससे थोड़े से और डार्कर भी हैं। ये थोड़ा अच्छा शैम्पेन सा कलर है जो हमारी स्किन टोन्स के साथ बहुत अच्छा चलता है, तो मैं यही वाला ट्राई करना चाह रही थी। और भी इसमें बहुत प्यारे शेड्स हैं, आप देखें इतना पिगमेंटेड है और इतनी खूबसूरत इसकी शीन है। तो ये बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें, वहाँ पे पाकिस्तान में तो इजीली ये लोकल मार्केट्स में मिल जाते हैं ये प्रोडक्ट्स, तो आप लोग ज़रूर इनको ट्राई करें, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, फिर बात करते हैं इनकी जो प्रोफेशनल पेंट स्टिक है, इसमें मैं इनका कलर करेक्टर सिर्फ मैंने मंगवाया है। मैंने वैसे भी इनकी पेंट स्टिक पहले ट्राई की हुई है, लेकिन वो शेड उस वक्त स्टॉक में नहीं था और मेरे पास टाइम थोड़ा था, इसलिए मैं और इसमें फर्दर मंगवा नहीं सकी। मुझे इसमें कंटूरिंग शेड भी वैसे लेना था, उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अभी सिर्फ ऑर्गेंजा ले लिया जो इनका ऑरेंज करेक्टर है, ठीक है। बहुत प्यारा इसका ऑरेंज कलर है, बहुत डार्क डीप वाला ऑरेंज नहीं है, थोड़ा पीची सा ऑरेंज कलर है। तो आप देखें कि और बड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा इसमें होता है, इनकी स्टिक में भी बड़ी अफोर्डेबल है ये भी। देखें ये ऐसा कलर है, बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर है। जैन की ये प्रोफेशनल पेंट स्टिक्स जो है ना, ये तकरीबन है आई थिंक 730 की थी मेरे पास, हाँ मैसेज है 730 की मैंने ये ली थी। अच्छा, तो आप ये देखें बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें होती है और बहुत क्रीमी है, बड़ी ही ईजिली ब्लेंड हो जाती हैं। मैंने पहले इनकी डर्मा की भी यूज़ की हुई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत फुल कवरेज और अच्छी हैं, और पेन स्टिक्स भी इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें कंटूरिंग शेड आता है, वो भी जो ले सकें आप लोग ज़रूर लें, जिनको क्रीम कंटूरिंग पसंद है। मैं वो भी नहीं ले सकी थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये लूँगी। तो ये आप कलर करेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बजट में है आपके, अफोर्डेबल आ जाता है, अफोर्डेबल प्राइसेज में ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आप क्रायलन के नहीं प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते। अच्छा जी, ये तो हो गई मेरी अनबॉक्सिंग नए प्रोडक्ट्स की, जो मेरे पास पुराने हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मेरे पास इनकी ये जो डर्मा कैमोफ्लाज मेकअप है ना, इसमें इनके मेरे पास ये तीन शेड्स हैं, आइवरी है, CN36 है और CN38 है। ये भी बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा खासा प्रोडक्ट है इसमें।
और ये देखें CN36, तो वैसे मैं कलर करेक्टिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारा क्रीमी शेड है। इसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं, मतलब आप इसको पैन में ऐसे फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेस ऑयल डाल के उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। पानी के साथ मत करें इसको, क्योंकि ये क्रीमी प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसमें इसको पानी में नहीं कभी भी आपने करना। तो खैर बहुत ही फुल कवरेज और अच्छा है, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है अभी फेस पे। ये है 38 शेड, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इनके शेड्स काफ़ी हद तक क्रायलन से ही सिमिलर हैं, नंबरिंग भी उसी तरह ऑलमोस्ट, और शेड्स हैं भी काफ़ी सिमिलर। जैसे मेरी स्किन के साथ ये 38 जो है ये बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। और मैंने एक इसमें लाइट शेड भी ले लिया था कि अगर इनकेस जैसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करना हो, तो ये भी बहुत ही प्यारा शेड है, आइवरी शेड है, ठीक है। ये थोड़ा लाइटर है, तो इसलिए ये कि ये हम हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो वैसे मैं पहले से मैंने लिए हुए हैं, और ये मुझे ये भी बहुत पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास इनकी पहले से जो क्रिस्टीन की कंटूरिंग पैलेट्स थी वो। एक ये 04 शेड है, देखिए आपको नज़र आ रहा है जी, ये 04 है मेरे पास, 02 है, और इसमें मेरे पास 01 भी है, हाँ जी 01 है ये, ठीक है। तो ये देखें ये शेड्स भी इनके बहुत प्यारे हैं। ये काफ़ी हद तक जो इनकी ये 8 पैन वाली पैलेट है, इससे काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, यही हैं। ये तो बहुत ही पॉपुलर है इनकी ना, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक शायद 300 के अराउंड ही आती हैं। ये भी बहुत पिगमेंटेड हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये कि ये मैंने काफ़ी पहले यूज़ की हुई हैं, अच्छी रहती हैं, ये बहुत ही बड़ी अफोर्डेबल हैं। इसमें डिफरेंट ये शेड्स आ जाते हैं, वो 01 था, 04 जो है इनका शायद ये डार्केस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आईज़ पे भी, इनको यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपने मतलब डेप्थ देनी है क्रीज लाइन पे। ये भी बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, यानी कि आपके पास अगर मैट शेडोज़ नहीं है किसी पैलेट में, तो आप इनको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक पैलेट को आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ये एज़ कॉन्टोर भी यूज़ हो सकते हैं, एज़ ब्रॉन्जर भी यूज़ हो सकते हैं। तो आप इनको कंबाइन करके ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आईज़ पे भी कर लें, नोज़ पे कंटूरिंग कर रहे हैं, फेस पे कंटूरिंग भी कर लें, और बाकी आप यूँ आईज़ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये शेड था 02, तो ये लाइट है इसमें सबसे। 01 जो है वो भी थोड़ा डार्क है, 04 सबसे डार्क है, ठीक है। तो ये जब आप देखें आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, वो तो वहाँ पे स्टोर्स पे जाके टेस्टर्स होते हैं, वहाँ से टेस्ट किए और जो जो चाहिए वो चीज़ें आप इजीली ले सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ पे मंगवा नहीं सकते क्योंकि ये शिप नहीं होती। तो यही होता है कि जब हम खुद गए हों या कोई हमारे दोस्तों में से फैमिली में से कोई गया हो पाकिस्तान, तो हम किसी के हाथ अगर मंगवा लें तो मंगवा लें। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो आज की, ज़रूर कमेंट्स करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूं और साथ लेके चलूं। तो इसलिए ये कि आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।